सिंह और इरानो, जैसे मैं आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपने इसके लिए जो आपने फंड से, चेयरमैन के फंड से जो फंड दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पशु कल्याण का और आपके फैमिली का बहुत बड़ा रिलेशन है। अजय सिंह साहब, धर्म सिंह साहब पिरुल निश्चित थे, आज पशु कल्याण तक आप कहीं भी जाओ बॉर्डर तक तारो है, बॉर्डर तक छोटे छोटे गांव से टांडा से, क्योंकि मैं एमएलए था और साहब पिरुल निश्चित जो भी पूछा उन्होंने किया, जो भी पूछा। तो एक बार साहब ही बोल रहे थे जेवर की मिली नहीं जो नहीं कर सका यहाँ बसुकल्याण में हुआ, तो ऐसे है उनका प्यार, उनका विश्वास और बसुकल्याण के प्रति उनका बहुत ही मोहब्बत था। उन्होंने जितना प्यार किया, जितना फंड दिया, जितने रोड्स बनाए, उससे भी ज़्यादा आपको जो भी दे सकते हैं आप पशुपल्याण को देना और डेवलपमेंट करना इतना ही मैं चाहूँगा। विजय सिंह साहब आप सिर्फ एक बार हारे, मैं 6 बार हारा, 6 times एक ही बार हारे आप। अभी अभी टाइम है, अभी काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, हम आपके साथ रहे या न रहे पब्लिक आपके साथ रहेगी, यहाँ की पब्लिक आपको नहीं भूल। तो मैं हम तो आपके साथ है, आपके फैमिली के साथ है, करम सिंह की फैमिली बूढ़े की फैमिली अलग नहीं है। तो क्योंकि हम उस घर में खाना खाए हैं, नाश्ता किए हैं, राजनीति किए हैं, तंत्र किए हैं, कुतंत्र किए हैं, सब कुछ वहाँ किए हैं, तो अलग नहीं हो सकते। पार्टी अलग होगी, जब इलेक्शन आया तब बात करेंगे, आज वो टाइम नहीं है। संतोष साहब बहुत गड़बड़ में है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मल्लिकार्जुन खोबा जीत कर आने के बाद मुझे हरा कर वो जीत कर आए, और उन्होंने ये पार्क की जगह दी मुझे, हराने मुझे हारने क्या दुख भी उससे ज़्यादा बोला माइक में, वो पार्क का जगह जो दिए उसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो ये पार्क खुद का जगह दे, और आप इस पार्क को डेवलप करने के लिए मेन रोड पर है, डेवलप हो तो बहुत ही अच्छा होता है, ये बात है। शिवाजी पार्क, शिव सृष्टि, पीजीआर सिंधिया, संतोष लाल की चर्चा हो रही है, मेरा अपना मानना है महात्मा बसवेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जात के लिए सीमित नहीं, किसी एक भाषा के लिए सीमित नहीं, किसी प्रांत के लिए सीमित नहीं। शिव सृष्टि की कल्पना, शिव सृष्टि शब्द भी लोगों को मालूम होता, शिव सृष्टि ये मेरी कल्पना है। लोग मुझे बोलते थे, हमारा भी एक एमएलए हुआ था, शिवाजी महाराज का स्टैचू भी बिठा, मुझे शिवाजी महाराज का स्टैचू बिठाना नहीं था, मुझे शिव सृष्टि बनाना था। क्यों? क्योंकि मैं जब एमएलए था, दामदार को आप पूछ सकते हैं, हमने ही बिकेड़ी भी बनाया, विकेट भी बनाया, आज 600 करोड़ का अनुभव मंडप बन रहा, इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर होगा, पूरे राष्ट्र से जग से लोग आएंगे, अनुभव मंडप देखेंगे, पशुकल्याण देखेंगे, साथ में बाजू में शिव सृष्टि भी देखेंगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन का परिचय होगा, उनकी राजनीति, उनकी लोकनीति, उनकी उनके जो महिलाओं के बारे में जो आदर है, ये सब बातें ये नई पीढ़ी को मालूम होगा और नया दिशा हो जाएगा। यहाँ लिंगायत मराठा नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज ये शिवभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के कपाल पर जो बोलते हैं वो ये शिव का विभूति है। तो ये मल्लिकार्जुन खोबा बोले ऐसा वाद विवाद होने की जरूरत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा उनका फैमिली, उनका नाम ही शिव है, शिवाजी, तो ये कोई जरूरी नहीं है। हम एक अच्छे उद्देश्य से शिव सृष्टि बनाना बोल रहे हैं,
मेरा बाबा साहब ने कहा है विजय सिंधिया साहब को और संतोष लाल को, मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूँ, जो समाज अपना इतिहास भूलता है वो समाज इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। हमको, हम जो महाराष्ट्र में नहीं गए, जो कर्नाटक में हैं, हम कर्नाटक में रहने वाले, हम कन्नड़ेगा हैं, जला नला नार मुड़ी बजे हमको अभिमान है। ये अगर हम यहाँ पर हमारे आइडेंटिटी बड़ी रहना है, लाड साहब 25 साल बेंगलोर में शाहजी राजा ने आयोजित किया है, आखिरी सांस तक वो कन्नड़ के लिए लड़ते रहे, उनके कन्नड़ भाषा थी, उनके कॉइन नाणे कौन था, कौन शब्द कन्नड़ है, और आखिरी सांस भी कर्नाटक के भोदगिरी में लिया। छत्रपति शिवाजी के बड़े भाई संभाजी, वो भी कनकगिरी में उनका देहांत हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज पहला जो सागरी युद्ध नेवी युद्ध है वो भी कर्नाटक में किया है, उड़पी में किया है, बसरूर में किया है, उसको इंडियन नेवी डे बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र नेवी का फ्लैग जो चेंज किया उस पर शिवाजी महाराज की राज मुद्रा है। तो शिवाजी महाराज स्वराज्य संस्थापक थे, तो शाहजी महाराज स्वराज्य संकल्पक थे। स्वराज्य की संकल्पना कर्नाटक में हुई है, कन्नड़ भूमि में हुई है, इसलिए बेंगलोर में अभी बात कर रहा था मैं, बेंगलोर में शाहजी महाराज का स्मारक होना चाहिए, वहां पर कनक होरीगिरी में उसका समाधि देखे। मैं 25 साल से वहां जाता हूँ, मैं निगम का चेयरमैन बना तो वहां जाकर पूजा कर चार्ज लिया, मैं MLC बना तो वहां होरीगिरी को जाकर शाहजी महाराज के समाधि को पूजा कर मैं वोट लेने को आया, और वोट लेते वक्त सदाशिव नगर के शिवाजी महाराज को, बसवेश्वर महाराज को, अम्बेडकर महाराज को फूल कहार डालकर वोट लिया मैं, और वोट वो भी शिवाजी महाराज के नाम पर लिया, चाहे गलत हो सही हो, माय कॉन्शियस मैं कुछ गलत नहीं किया। और हम हमारा इतिहास बोलने को डरने लगे, हम हमारे इतिहास के बारे में बात नहीं करने लगे तो हमारे आइडेंटिटी खत्म हो जाए। तो मैं आप दोनों महान नेताओं को हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, इस दिशा में सोचिए और कुछ करिए। इतना कहते हुए ज़्यादा समय नहीं लेता, हमारे नौजवान साथी सागर खंडरे जी MP बने हैं, उनका भी स्वागत है, और मैं उनके पिताजी ईश्वर खंडरे साहब को शिव सृष्टि के बारे में बात किया हूँ, वो तो पूरा मान लिए हैं। इतना ही नहीं, मैं जब भालकी में शिवाजी जयंती को आया था वहाँ भी मैं ये बात किया लास्ट ईयर, वो भालकी में भी शिव सृष्टि बनाने के लिए मान गए हैं, और शायद मुझे लगता है वो 1 करोड़ रुपये हम रखे हैं। तो बात यह है ना, जात पात की बात नहीं, राष्ट्राभिमान की बात है। छत्रपति शिवाजी किसी जात के लिए सीमित है नहीं, उन्होंने हिंदी स्वराज्य बनाया, मराठों से वजह से नहीं बना, 18 पगड़ जाति OBC पूरा मुस्लिम लोग उनके पास थे, तो इस होने से हम शिवाजी महाराज को संकुचित करने की जरूरत नहीं है, सब मिलकर काम करेंगे। बहुत खुशी की बात यह है संतोष लाल और सिंधिया साहब दोनों आइए, और इसलिए आज का दिन शुभ दिन है, और कुछ तो कुछ कर्नाटक में जो मराठा लोग हैं उनको आइडेंटिटी के लिए कुछ तो पॉजिटिव होगा, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद सबको।